नमस्कार। उत्तर भारत के श्रेष्ठतम ट्रॉमा सेंटर में से एक यह है सवाई मानसिंह चिकित्सालय का ट्रॉमा एवं अस्थिरोग संस्थान, जो जयपुर राजस्थान में स्थापित है। यह संस्थान प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख दुर्घटनाग्रस्त रोगियों को राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी जनहितकारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत त्वरित, निर्बाध एवं पूर्णतः निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा परिवहन विभाग की सड़क दुर्घटना सुरक्षा इकाई के साझा प्रयास ने ट्रॉमा संस्थान की दुर्घटना चिकित्सा व्यवस्था को विश्वसनीयता के उच्चतम सोपान पर पहुंचा दिया है। संस्थान की आपातकालीन इकाई में प्रतिदिन 500 से 700 रोगी दुर्घटनाग्रस्त होकर पहुंचते हैं। आपातकालीन इकाई में ATLS प्रोटोकॉल के अनुरूप रोगी के पहुंचते ही दुर्घटना की गंभीरता के अनुसार ट्राइएज द्वारा साधारण, गंभीर, अति गंभीर का विभाजन कर सजग, कुशल प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मियों, चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जाता है। रोगी के परिजनों से संवेदनशील व्यवहार करते हुए अति गंभीर रोगी को सीधा रेड जोन में लिया जाता है। चूंकि सड़क दुर्घटनाओं में गोल्डन आवर यानी प्रथम घंटे के प्रथम 10 मिनट में अधिकतम मृत्यु होती है, यह आपातकालीन विभाग इन 10 मिनट के महत्व को समझते हुए समन्वित प्रयास करता है। यहाँ आपातकालीन इकाई में ही वेंटिलेटर सुविधा उपलब्ध है। निश्चेतना विशेषज्ञ, अस्थिरोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, सामान्य शल्य चिकित्सकों की एक साथ उपस्थिति रोगी के समुचित उपचार एवं प्राण रक्षा की अधिकतम संभावना को सुनिश्चित करती है। आपातकालीन इकाई ICU, CT स्कैन, X-ray, सोनोग्राफी, लाइफलाइन मेडिकल स्टोर से संबद्ध है। आज के समय में अति तीव्र वाहन दुर्घटना के कारण एक साथ शरीर के कई तंत्र क्षतिग्रस्त होते हैं, जिसे पॉलीट्रॉमा कहते हैं। इन सभी रोगियों की दशा स्थिर कर पॉलीट्रॉमा वार्ड में भेजा जाता है, जहां विभिन्न विशेषज्ञता के चिकित्सक रोगी की हालत पर कड़ी नजर रखते हैं, आवश्यकता अनुसार ICU अथवा संबंधित वार्ड में भेजते हैं। ट्रॉमा सेंटर में स्वतंत्र ब्लड बैंक है, जहां 2400 घंटे रक्त उपलब्ध है। इसके साथ ही विभिन्न जांचों के लिए अत्याधुनिक लेबोरेटरी है। ट्रॉमा सेंटर का एक वार्ड वृहत आपदा या मास कैजुअल्टी के लिए आरक्षित है। ऑपरेशन थिएटर 2400 घंटे रोगी की शल्य चिकित्सा कार्यरत हैं, जहां अनेकों जटिल ऑपरेशन होते हैं, जिनमें से प्लास्टिक सर्जरी और CTVS के अति विशिष्ट विशेषज्ञता वाले शल्य चिकित्सकों का साथ अस्थि रोग, न्यूरोसर्जन्स और सामान्य शल्य चिकित्सकों को मिलता है। मेल फीमेल वार्ड के साथ प्लास्टर रूम भी है। 4 उच्च स्तरीय ICU, जिनमें परिवहन विभाग द्वारा अत्याधुनिक ICU भी है, निरंतर रोगियों को चिकित्सा उपलब्ध कराता है। यूं तो ट्रॉमा सेंटर की ऑक्सीजन उपलब्धता पर्याप्त है, किंतु COVID-19 महासंक्रमण के पश्चात राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा एक LMO यानी लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट ट्रॉमा सेंटर में स्थापित किया जा रहा है। इस ट्रॉमा सेंटर की एक अनूठी विशेषता परिवहन विभाग द्वारा 5 करोड़ रुपयों की लागत से स्थापित ट्रॉमा स्किल लैब है। इस स्किल लैब में विश्व स्तरीय मानव प्रतिरूपों के माध्यम से, जो कि कंप्यूटर द्वारा संचालित हैं, सभी चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों के चिकित्सकीय कौशल में गुणवत्ता की उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु दुर्घटना वातावरण का कृत्रिम संयोजन कर निर्णय लेने की त्वरित एवं उचित क्षमता का विकास किया जाता है। साथ ही समाज के विभिन्न वर्ग जो दुर्घटना समय पर उपस्थित होते हैं को प्राण रक्षा की आधारभूत ट्रेनिंग यानी BLS ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रॉमा सेंटर का ध्येय वाक्य है, प्रत्येक जीवन महत्वपूर्ण है। ए लक्ष्य है सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु दर एवं स्थायी अपंगता में कमी लाना। इस ट्रॉमा सेंटर के प्रत्येक सेवाकर्मी स्वामी विवेकानंद के कथन उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जावे को आत्मसात कर
दुर्घटना मृत्यु दर को न्यूनतम करने हेतु संकल्पित है। और सभी चिकित्सा कर्मी आपसे आह्वान करते हैं कि सड़क दुर्घटना में जब कभी आप किसी अनजान घायल व्यक्ति को देखें तो उसे तुरंत ट्रॉमा सेंटर पहुंचाएं और उसकी प्राण रक्षा में अपना सहयोग देवें।